पहलवान और ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला अब बिगड़ता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने आखिरकार अपने घर का रास्ता पकड़ लिया है। उसका कारण ये है कि बीते एक महीने से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवान मंगलवार को अपने मेडल बहाने हरिद्वार पहुंचे थे। नरेश टिकैत कहने पर नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया, पर खिलाड़ियों ने मेडल तो नहीं बहाए लेकिन वह लौटकर दिल्ली भी नहीं गए और हरिद्वार से साक्षी मलिक को छोड़कर बाकी सभी पहलवान अपने अपने घर चले गए। यह बहुत दुखद है। एक और खिलाड़ी धरना स्थल पर छोड़ गए, एक और तो खिलाड़ी धरना स्थल छोड़ गए। और वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इन्हीं पहलवानों के समर्थन में कोलकाता में एक रैली की जो केवल और केवल पहलवानों के समर्थन में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। काले 28 मई को पहलवान नई संसद पर महापंचायत करना चाहते थे और सिक्योरिटी कारणों की वजह से, हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से जाने के लिए बिल्कुल भी रोक दिया, जिसकी वजह से सारे पहलवान चिढ़ गए और इसी चिढ़ की वजह से सभी पहलवानों को हिरासत में लेने की कोशिश की गई। महिला खिलाड़ियों को महिला कांस्टेबल ने हिरासत में लिया और आपने देखा ही होगी वो सारी तस्वीरें, और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। लेकिन मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि पहलवानों को उस दिन पार्लियामेंट के सामने नहीं जाना चाहिए था। वो सिक्योरिटी का एक मैटर है, वो अलग बात है, क्योंकि ये प्रोग्राम 100 साल बाद हो रहा है। ठीक है, खिलाड़ियों को अब दूसरी बात ये भी कहूँगा कि सरकार को इस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए और जो भी बेटियां हैं उन्हें उनकी बात को सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। खिलाड़ियों के उस दिन से मूड खराब होने की वजह से रिहा तो कर दिया उस दिन, लेकिन अगले दिन ही पहलवानों ने एक नया ऐलान कर दिया। वो ऐलान था कि हरिद्वार जाकर वो सारे पहलवान अपने अपने मेडल बहा देंगे गंगा जी में। ये तो बहुत अशोभनीय था, बुरा था, लेकिन नरेश टिकैत के बारे में तो आप जानते होंगे, जो किसान नेता हैं, उन्होंने सारे पहलवानों के मेडल अपने हाथ में ले लिए और उन्हें इस काम को करने से रोक दिया। अब सारे के सारे खिलाड़ी कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है।